मध्य प्रदेश की निर्दयी अफसरशाही का एक और मामला सामने आया है, जहां एक किसान अफसर के पैरों पर सिर रखकर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन भाजपा सरकार के अफसर ने किसान को पैर मारकर दूर कर दिया। एमपी में किसानों की बेबसी की कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इस कड़ी में नया मामला सिंगरौली से सामने आया है। सिंगरौली की माड़ा तहसील के मकरोहर सर्किल के नायब तहसीलदार छत्रपाल सिंह मरावी किसानों से बदसलूकी करते नजर आए। मरावी अपने पद के नशे में इतने चूर हैं कि एक किसान मरावी के पैरों पर अपना सिर रखकर मिन्नतें करता नजर आता है। इसके बावजूद यह किसान गिड़गिड़ाते हुए अपनी फसल की भीख मांग रहा है, लेकिन नायब तहसीलदार को तरस नहीं आया। किसान की खड़ी फसल में सीमांकन करने पहुंचे नायब तहसीलदार ने किसान की एक नहीं सुनी। किसान कह रहा था कि अभी खड़ी फसल है, हमारी फसल काटने के बाद जमीन अपनी ले लीजिएगा, लेकिन इसके बाद भी तहसीलदार ने किसान को पैर से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमपी में ऐसे ही अफसर सरकार की बदनामी का कारण बनते हैं। ऐसे में सरकार को इस तरह के अफसरों पर लगाम कसना चाहिए। आज जो है उसकी डेट लगी है सीमांकन की, और जिसकी जहाँ लीज की जमीन जो निकलेगी वो क्लियर हो जाएगा सीमांकन से। सारिका अलावा लीज है उधर जसवाल का, तो इन्हीं का है, उसी के लिए आज डेट लगाए हैं सीमांकन का। तो सीमांकन चल रहा है, सीमांकन का जो जिसका होगा जहाँ निकलेगी जमीन तो वो क्लियर हो जाएगा। माइनिंग अधिकारी का कहना है कि 200 मीटर तक कोई घर नहीं बने हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जांच समिति का गठन करके, माननीय कलेक्टर साहब को जांच समिति का गठन करके, और यहां पे जो फिजिकल है कुछ चीजें दिया, ऐसा तो है नहीं कुछ हम छुपा लेंगे आप छुपा लेंगे, जो चीजें फिजिकल है कि जो वर्तमान में जो घर बने हुए हैं और जो पट्टाधारी है वो किस तरह है आपके लीज से प्रभावित होंगे, आपको सरकार को क्या फायदा होगा। ये गवर्नमेंट का जो गौचर जमीन, जो मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार गौचर का जमीन ढूंढ रही है कि भैया उसको बेड़ा बनाना के लिए, गायें सब रोड पे मर रही हैं, और यहां पे अधिकारी चंद पैसों में जो है मुझे लगता है लेकर के इन्होंने जो है गौचर की जमीन को परिवर्तित करके फर्जी पट्टा जारी कर दिया है। तो आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।